तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में ममात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंधा जी के महाअक्षयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। वर्धमान चरित्र निरंतर विगत 7-8 दिनों से प्रवाहमान है। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे अच्युत स्वर्ग से इंद्र अंतिम 6 माह में एक माह गुजर गया था, 5 माह अभी भी शेष थी अच्युत स्वर्ग के इंद्र की आयु, और इधर धरती पर विदेश देश के कुंडपुर नामक नगर में उत्सव का माहौल बनने लगा। महाराज सिद्धार्थ और उनकी प्रिय पत्नी जिनका नाम प्रियंकारिणी था, जिसको दूसरा नाम आप त्रिशला भी कहते हैं, इनके घर के आंगन में रोज सुबह से शाम तक रत्न वृष्टि होती थी। लगातार नहीं होती थी, समय समय पर होती थी। ग्रंथकार 2 अलग अलग बातों को कहते हैं। किन्हीं आचार्यों का ऐसा कहना है कि दिन के 12.5 करोड़ रत्न बरसते थे, और कहीं कहीं आचार्य 3.5 करोड़ रत्नों के बरसने की बात भी आगम ग्रंथों में कहते हैं। आप चाहे 12.5 करोड़ अच्छा लगे तो, और चाहे 3.5 करोड़ लगे तो। प्रतिदिन अच्युत स्वर्ग में इंद्र अभी भी बैठा हुआ है, वहां पर 6 माह की आयु शेष थी। नीचे महाराज सिद्धार्थ और त्रिशला देवी के उस आंगन में जब रोज 3.5 करोड़ या 12 करोड़ रत्न बरसते थे, वे रत्न अपने आप में अद्भुत थे। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आकाश से रत्न बरसता होगा। आपने आकाश से ओले बरसते हुए तो देखे होंगे, कभी आपने ओले देखे हों कंचे के बराबर के ओले, गोल गोल बिल्कुल देखे हों, तो आंख बंद करके कभी ऐसी कल्पना करके देखिएगा कि कोई राजा का बहुत बड़ा राजमहल है, उस राजमहल के पूरे आंगन में, विस्तृत आंगन में, छोटा मोटा आंगन नहीं होता है, पूरा का पूरा जैसा फुटबॉल का प्लेग्राउंड होता है, इतने बड़े आंगन में रोज 12.5 करोड़ या 3 करोड़, दोनों आचार्यों में से किसी भी आचार्य की बात को आप मान लें तो, एक बड़ा बड़ा हीरा पन्ना माणिक मोती ओले के बराबर रोज का रोज आंगन में गिरना। एक माह गुजर गया, महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला देखती रह गई कि रोज आकाश से रत्न बरसते हैं, और वे रत्न रोज बरसते, और त्रिशला देवी और सिद्धार्थ वे दोनों के दोनों पूरे के पूरे रत्नों का दान करते रहते हैं। पूरी की पूरी उस कुंडपुर नामक नगरी में एक भी गरीब का घर नहीं बचा। घर के अंदर जैसे आप कभी दाल मूंग मोट रखते हैं, ऐसे भर भर के पूरे कुंडपुर नामक नगर में गरीबी नाम की कोई चीज बची ही नहीं। ग्रंथकार कहते हैं कि माता पिता के पुण्य से नहीं, तीर्थंकर के पुण्य से जुड़े हुए लोगों का भी पुण्य जग गया। हमेशा हम ये बात कहते हैं कि अपने पाप और अपने पुण्य को भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि तीर्थंकर का पुण्य था, उनके पुण्य से जिस
कर्म भूमि में माता पिता के घर में जन्म लेना है, उनका पुण्य जग गया। कभी किसी जीव ने माँ बनने की, कभी भी किसी जीव ने ये इच्छा नहीं करी कि मुझे कहीं जाकर के किसी माँ के घर में जन्म लेना है, लेकिन हर माँ ने ये इच्छा जरूर करी है कि मेरी कुक्षी में आकर के एक पुत्र जन्म ले ले। वो त्रिशला, जो सिद्धार्थ और शीतला दोनों मिलकर के जब आंगन में निरंतर रत्न बरसते थे, रोज वो रत्नों को देखते थे, इतना बड़ा बड़ा हीरा पन्ना माणिक मोती पुखराज, सोचिए कभी कल्पना करिए कि जैसे आकाश से ओले गिरते हैं ऐसे आंगन में रत्न गिर गए। आदमी पहली बार देखे तो आश्चर्यचकित हो, लेकिन जब लगातार एक माह तक गिरा तो उन रत्नों को रखना भी तो मुश्किल होता है ना, कहाँ रखेगा आदमी। थोड़ी देर ओला गिर जाते हैं तो समेटना मुश्किल होता है। विदेशों में जाकर के देखिएगा कि बर्फ को, ओलों को संभालना भी अपने आप में एक मुश्किल वाली प्रक्रिया होती है। जैसी बर्फ संभालना मुश्किल प्रक्रिया है, सिद्धार्थ और त्रिशला के लिए उन रत्नों को, समीकरण को बनाना और रखना अपने आप में बड़ा मुश्किल सा लगा। लोगों को किमिक्षिक दान के रूप में बांटा। एक माह गुजर गया, दो माह गुजर गया, तीन माह गुजर गया, लेकिन रत्नों की वृष्टि बंद नहीं हुई। दस प्रकार के सत्य में एक संभावना सत्य आता है। संभावना सत्य क्या आता है कि संभावना सत्य कहता है कि अभी स्थितियां वैसी हैं नहीं, लेकिन आगे चल करके ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो जब निरंतर वहां से रत्न वृष्टि होती रही तो संभावना सत्य को स्वीकार करते हुए ये बात निश्चित हो गई कि 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान का गर्भावतरण जहां कहीं भी होगा वहीं पर रत्न बरसते हैं। तो सिद्धार्थ और त्रिशला के आंगन पर रत्न बरसने से ये निश्चित कर दिया गया कि यहीं पर भगवान महावीर का जन्म होने वाला है। वहां पर संभावना सत्य को देख करके जब ये निश्चित हो गया कि यहां पर ही भगवान महावीर का जन्म होगा, धीरे से पहले तो रत्न बरस रहे थे, फिर पूरी की पूरी व्यवस्था उस पूरी की पूरी नगरी की कुबेर ने संभाल ली। कुबेर ने व्यवस्था क्या संभाली, एक भी घर खाली नहीं रहा। हर घर को ऐसा तैयार किया कुबेर ने कि देखते बनता था। अष्टकुमारी देवियां श्री री दति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि के साथ 64 और दिक्कुमारी देवियां एक साथ त्रिशला के आंगन में गर्भावतरण के पूर्व 6 मास पहले से ही आ गई। शोधन की व्यवस्थाएं बनने लगी, जहां पर भगवान को रुकना है, जहां पर भगवान को जन्म लेना है, सारी की सारी देवियों ने मिलकर के माँ की कुक्षी का शोधन करना प्रारंभ किया। हम जब अभी संतान पैदा करते हैं तो इन सब विचारों को कभी सोचते तक नहीं है कि कभी गर्भ का शोधन भी होता है, देह का शोधन होता है, अपने जो आपकी वीर की शक्ति होती है उस शक्ति का शोधन होता है। बस जैसा आता है वैसा कर लेते हैं। लेकिन गर्भावतरण की उस पावन प्रक्रिया को देखने और समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें दिक्कुमारी देवियां आकर के माँ त्रिशला के गर्भ का शोधन करके वहां के पूरे विकार को दूर करने लगी। शोधन के दौरान ही ये निश्चित हो गया कि भोजन अब स्वर्ग से आएगा। भोजन, वस्त्र और आभूषण तीनों माता और पिता दोनों के स्वर्ग से आकर के उनको प्रसन्न रखने का माहौल बनाने रखा। बिल्कुल भी मेंटल स्ट्रेस माता त्रिशला को ना हो, कोई देवी उन पर पंखा झुलाती, कोई देवी उनके पैर दबाती, कोई देवी उनसे संवाद करती तो मनोहर और मीठा संवाद करती, कोई देवी उनके लिए भोजन इत्यादि के दिव्य भोजन की व्यवस्थाएं करती, कोई देवी उनके मन को बहलाने फुसलाने के लिए संगीत गीत और वाद्यत्र को बजाती। एक तीर्थंकर का घर के अंदर जन्म क्या होना है, कैसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, इसकी ट्रेनिंग लीजिए। अपने घर के अंदर भी ट्रेनिंग लीजिए कि जिस स्त्री से संतान की उत्पत्ति होनी है उसके लिए घर के अंदर कैसा माहौल बनाया जाता है, उसके भोजन की व्यवस्थाएं समुचित होती हैं। एक तपस्वी के तन को और मन को संभालना
कोई मजाक की बात नहीं होती है बंधु। माँ त्रिशला ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि वो जगत जननी बनने का उसको सौभाग्य मिल रहा है? क्या उसके मन के अंदर की भावनाएं थी, कौन सा पुण्य था, कौन सी तपस्या थी कि एक स्त्री के गर्भ में तीर्थंकर का जन्म होना? वे तीर्थंकर वहां पर अवतरण लेने वाले थे, अभी जन्म लिया नहीं है, अभी गर्भ में आए नहीं है, अभी तो वो अभी भी अच्युत स्वर्ग में विराजमान है और वहां उनके नीचे आने से पूर्व में उनकी व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गई। वर्तमान जीवन में भी जब कभी भी आप संतान की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसके 6 महीने पूर्व से व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। 6 महीने पूर्व से व्यवस्थाएं जब बनती हैं, तब जाकर के कोई एक सद्बालक का गर्भ के अंदर आना होता है बंधुओं, क्योंकि तीर्थंकर जैसे स्वर्ग से आते हैं वैसे नरक से भी आते हैं। कोई जीव जरूरी नहीं है कि आपके गर्भ में आया है तो वो स्वर्ग से ही आया, हो सकता है नरक से आया हो, लेकिन दोनों के लिए अनुकूलता बनाना हमारी जवाबदारी होती है। ट्रेनिंग लो, नहीं तो ट्रेजडी के लिए तैयार रहो। अगर आपने संतान की उत्पत्ति से पूर्व में ट्रेनिंग नहीं ली है, नहीं सीखा है कि कैसे एक गर्भावतरण से पूर्व में वो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, तो फिर निश्चित आपके घर के अंदर ट्रेजडी होने वाली है। कभी आप बच्चे के लिए रोती हैं, कभी बच्चा आपको लेकर के रोता है। कई बार माता पिता चिल्लाते हैं ना, महाराज हम थक गए इस बच्चे से, ये बच्चा इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, क्या बताएं। कई बार माँ बच्चा कहता है ये माता पिता से मुक्ति मिले तब जाकर के मेरे जीवन में चैन आए। दोनों लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं, लेकिन वहां कोई परेशान नहीं है। एक तीर्थंकर का गर्भावतरण क्या होना है, घर के अंदर माहौल बनाना पड़ता है, भोजन संबंधी माहौल बनाना पड़ता है, वस्त्र आभूषण संबंधी माहौल बनाना पड़ता है, मानसिकता संबंधी भी माहौल बनाना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेच में महिलाएं रहती हैं, घर का, परिवार का, समाज का मेंटल स्ट्रेच रहता है, जॉब का मेंटल स्ट्रेच रहता है, और अधिकतम मेंटल स्ट्रेच में जब भोग उपभोग की क्रियाएं होती हैं और कोई संतान पैदा होती है, क्या उम्मीद करते हैं उससे कि वो शांत होगी? जब माँ को संतान पैदा करने से पहले मेंटल स्ट्रेच इतना भयंकर है, बच्चा जन्म से मेंटल स्ट्रेच लेकर के पैदा होता है, क्योंकि माँ का वाइब्रेशन, माँ के ब्लड सर्कुलेशंस को बच्चा महसूस करता है। उधर त्रिशला की पूरी काया को सारी की सारी देवियां मंदिर बनाने पर तुल गईं। कभी कल्पना करिए कि संतान पैदा करने से पहले काया को मंदिर के जैसा बनाना पड़ता होगा, गर्भ का शोधन करना पड़ता होगा, भोजन की पवित्रता निश्चित करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य बनता है, ससुर का भी कर्तव्य बनता है, सास का भी कर्तव्य बनता है, नंद, देवरानी, जेठानी, बच्चे, भतीजे, सबका कर्तव्य बनता है कि एक फैमिली प्लानिंग करके जब आप एक सत्संतान घर के अंदर लाते हैं, उसके पहले घर का माहौल बनाइए। माहौल देखिए, 6 महीने पूर्व से वे 8 देवियां और उनके साथ 64 दिक्कुमारी देवियां वे सब आकर के गर्भावतरण से पूर्व में त्रिशला के घर के अंदर माहौल बना रही हैं। गरीब आदमी के बीच में जब संतान पैदा होती है तो मेंटल स्ट्रेस निरंतर बना रहता है, कैसे पालेंगे, डिलीवरी में खर्चा होगा, इतना गुड़ कहां से आएगा, इतना ये कहां, क्या क्या सोचते हैं आप लोग। कई लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि अब साफ सुथरी डिलीवरी कराने के लिए पैसा बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल तक लेकर के नहीं जाते महिलाओं को, घर के अंदर ही डिलीवरी करा लो बात करते हैं, इधर उधर लोगों से कुछ भी कराने का प्रयास करते हैं और एक सत्संतान को खो देते हैं। उस दर्द को समझिएगा कभी बंधु, कि संतान पैदा करने से पहले घर के अंदर माहौल बनाइए, बिना माहौल के संतान आएगी तो घर का माहौल उड़ेगा, फिर आप परेशान होंगे और आपका बच्चा आपसे परेशान होगा। जब त्रिशला के लिए इस तरीके का दिक्कमारियों ने माहौल बनाया, कुबेर स्वयं आकर के खड़ा हो गया कि मेरे जहां पर मेरे तीर्थंकर का जन्म होना है, सौधर्म इंद्र ने आज्ञा दे दी, कुबेर 6 महीने तक वहीं खड़े रहना, वहां से हटना मत। वो स्वयं आकर के पूरी नगरी की व्यवस्था देख रहा है, प्रातिहारियों के रूप में उनके किसी भी मन के अंदर कोई मानसिकता खराब ना हो, इसके लिए दुर्भावनाओं के प्रवेश के द्वार ही बंद कर दिए गए। स्वयं देवियां
प्रातिहारणी बनकर के माता त्रिशला की रक्षा करने लगी। जब ये निरंतर ऐसा सौभाग्यवर्धन की क्रियाएं गर्भावकरण से पूर्व में हो रही थी, सिद्धार्थ भी अपने आप में फूले न समाए। सिद्धार्थ भी बार बार सोचते थे, पिता क्या सोचता है? पिता सोचता है कि जगत के पिता का पिता बनने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपकी देह मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आकर के कोई स्वर्ग से कोई जीव आएगा, फिर वो आपकी संतान का रूप धारण करेगा? माँ बनने के लिए इधर उधर दौड़ते तो हैं, कभी इस तरीके के विचारों को अंदर ले जाकर के पवित्र करने का किसी माँ ने प्रयास किया क्या? कभी ऐसा सोचा कि संतान ऐसे पैदा करनी है? अरे महाराज कछु नहीं, जे चाहते तो हो गई, जे नहीं चाहते तो नहीं। भाई इनके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। माँ चाहती है संतान होना, संतान कोई संतान दुनिया में माँ नहीं चाहती। अच्युत के स्वर्ग में जो इंद्र है उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मुझे किसी की माँ के गर्भ में जाकर के जन्म लेना है। संतान ने माँ नहीं चाही, लेकिन माँ ने संतान चाही है। और आपने अगर माँ ने संतान चाही है तो सबसे पहले घर के अंदर दोनों कर्तव्य है, पति और पत्नी दोनों का, कि माहौल बनाइए। बिना माहौल के संतान पैदा होती है तो कोई मंद बुद्धि पैदा होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी पैदा होती है, कोई दिमाग से कमजोर पैदा होती है, कोई अति क्रोधी पैदा होती है, कोई अति लोभी पैदा होती है। ऐसी संतानें अब भगवान महावीर के शासन काल में, मैं हमेशा उस बात को कहता हूँ कि अगर जैनों को भी अजैनों जैसा समझाना पड़ा तो भी आपके जैन होने पर धिक्कार है, और अगर जैन है तो पहली बार में साधु संतों की भाषाएं समझ में आनी चाहिए। कई बार बहुत सारे जैन श्रावक होते हैं, उनके संवाद में कहीं ऐसा लगता नहीं कि ये जैन है, अजैन जैसा समझाना पड़ता है तो मन के अंदर बड़ा दुख होता है। आप सोचिए कि दिक्कुमारी देवियां वहां से नीचे आ गई, पूरी रचना कर दी, रत्नवृष्टि कर दी, और रत्नवृष्टि करने के पीछे सिर्फ एक मात्र उद्देश्य था कि अगर पूरे के पूरे नगर में कोई भी दरिद्र नहीं होगा तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान तो वहीं पर हो जाएगा। कभी सोचा है, कभी कल्पना करी है कि जिस घर में आप किसी संतान को जन्म देने वाले हैं वहां पर तो सौधर्म इंद्र की कृपा से उनके आदेश पर कुबेर ने रत्नवृष्टि करना शुरू करी और पूरे के पूरे नगर को समृद्ध कर दिया। आपने कभी ऐसा सोचा कि हम अपने घर के अंदर संतान पैदा कर रहे हैं, हम नगर में तो रत्नवृष्टि नहीं कर सकते लेकिन अपने आश्रित रहने वाले लोगों को सबसे पहले संतुष्ट कर दें। वो जो काम करने वाली बरौनी होती है, कपड़ा धोने वाली बाई होती है, घर के अंदर 24 घंटे काम करती है, जिसकी दुआएं और बददुआओं से तुम्हारे घर की उथल पुथल होती रहती है, उसके लिए कभी सोचा कि मेरे यहाँ मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी होने वाली है, इसके पहले मैं अपने घर के अंदर काम करने वाले लोगों को संतुष्ट कर देता हूँ। एक धोती दुपट्टा दे दिया, एक साड़ी दे दी, चांदी की बिछिया दे दिए, कुछ पायल दे दिए, आप संतुष्ट हो जाइए, आप सबके उससे इनके यहाँ पे एक गर्भ धारण करने वाले हैं। ऐसा अपने कम से कम घर के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को तो संतुष्ट कर देते, कुछ तो भूमिका बनाइए थोड़ी सी। नहीं, बनाना तो चाहिए, फिर जब हाय लगती है तब आप बोलते हैं अरे हमारा लड़का तो दूध नहीं ले रहा है, अभी को तो पेटे नहीं भर रहा है, जी के सांस लेने में तकलीफ है। ये सारी छोटी छोटी चीजों में किसी की बद्दुआ लगे, इसके पहले ही कुबेर ने पूरे के पूरे घर को ऐसा समृद्ध कर दिया, पूरी की पूरी कुंडपुर नाम की जो नगरी थी एक एक घर में इतनी संपन्नता थी कि तीर्थंकर के आने के बाद की संपन्नता को देख करके किसी मन के अंदर लोभ पैदा ना हो। और हर माँ, हर बेटी, हर व्यक्तित्व ये सोच करके उस जब जन्म हो तो ये सोचे कि काश ऐसा पुत्र हमारे घर के अंदर पैदा हुआ होता। जब आप अपने घर के अंदर ऐसा माहौल बनाते हैं, अपने वर्कर्स के साथ इस तरीके के सहयोग की भावनाओं के साथ, अपने घर के अंदर किसी भी संतान को लाने से पूर्व घर के अंदर रहने वाले नौकरों को संतुष्ट करके देखिएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि वे लोग, महिलाएं भी सोचेंगी, बाहर की महिलाएं, कि काश ऐसी संतान हमारे घर के अंदर भी पैदा होती, कितनों पुण्य है तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारी झोली भर गई, कितनी बड़ी बात। समय धीरे धीरे करके जब 4-5-6 महीना पूरा निकलने को आया और जब पूरा का पूरा समय निकल गया, अच्युत इंद्र के स्वर्ग में बैठा हुआ जो देव था, उस देव ने कर्म भूमि के मनुष्य की आयु बांधी
कर्म भूमि के मनुष्य की आयु बांध करके वहां से च्युत हो रहा था, पूरा का पूरा स्वर्ग नीचे जमीन पर उमर पड़ा। स्वर्ग के देवताओं के मन के अंदर ये बात निरंतर चल रही थी कि दोबारा ये जीव कभी स्वर्ग में नहीं आएगा। सोचिए, हम स्वर्गवासी होना चाहते हैं, लेकिन अच्युत स्वर्ग के इंद्रों के बीच में वो संवाद निरंतर जारी था, ये इंद्र है, ये कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय में अब जन्म लेने वाला है, दोबारा स्वर्ग में नहीं आएगा, दोबारा इस जीव का दर्शन नहीं होगा। तो फिर क्या करें? सारे के सारे इंद्र मिल करके पूरी की पूरी संपदा उठा करके वहां पे स्वर्ग बना दिया जहां पर वो जीव जन्म लेने वाला था। घर के अंदर ऐसा गजब का माहौल बनाया कि सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों देखते रह गए। महाराज चेटक भी सोचते थे कि कैसी पुत्रियों को जन्म दिया है, कोई तो महाराज सैनिक की पत्नी बनी चेलना, और उनकी सबसे बड़ी बहन प्रियंकारिणी महावीर भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। कभी सोचा है, कभी दिमाग में ऐसा रखा है? गर्भ के अंदर कोई शोधन करता हो, शुद्ध भोजन से शोधन होता है। इस वर्तमान पंचम काल में जब संतानें पैदा नहीं होती और जो लोग यहां पर आते हैं, मैं सबसे वही बात कहता हूं कि अगर तेज कर्म का उदय चल रहा है, पति पत्नी दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद संतान पैदा नहीं हो रही, सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग करिए, बाहर के खाने का त्याग करिए, गर्भ का शोधन करिए, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लीजिए, 6 महीने पूर्व से जैसे देवताओं ने वहां पर व्यवस्था बनाई, अपने शरीर की व्यवस्था बनाइए। शरीर की धातुएं और उपधातुओं का शोधन करना पड़ता है, 6 महीने पूर्व से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करिए। महाराज अपनी मर्जी से कुछ बोलते होंगे, आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है ग्रंथों पे, आप उठा के नहीं पढ़ते तो मुझे बोल करके बताना पड़ता है। जब कभी भी संतान की उत्पत्ति करने का घर के अंदर विचार बने तो सबसे पहले आदि पुराण के अंतिम 100 पृष्ठ पढ़िए, गर्भ की 53 क्रियाएं क्या होती हैं, गर्भाधान कैसे होता है। लोग कहते हैं लड़का और लड़की पैदा होना भगवान के हाथ पे है, ऊपर वाले के हाथ पे है, आपके हाथ में है। जब वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तिथि पर कैसे किस विधि से करने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है और कन्या की उत्पत्ति होती है। आचार्य कितने करुणावान थे, सोचिए कि स्वयं वीतरागी और महाव्रती और ब्रह्मचर्यव्रत के धारी होने के बावजूद गृहस्थ के ऊपर इतनी करुणा करके ग्रंथों में लिख करके गए कि गृहस्थ आत रौद से बहुत ज्यादा जब भावित हो जाएगा, जब उसको इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग होगा, जब किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा होगी, तब वो धर्म ध्यान कैसे करेगा। प्रथमान्योग के ग्रंथों पर आचार्य जिनसेन भगवंत ने स्वयं लिखा कि कैसे संतान पैदा की जाती है, कैसे संतान एक गृहस्थ दंपत्ति कैसे अपने धर्म ध्यान करने के लिए संतान को लाता है, तो संतान लाने के क्या उपाय होते हैं। ये जो आप अपने घरों के अंदर संतानें पैदा करते हैं और जो आगम के हिसाब से संतानें आती हैं, इन दोनों की संतानों के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी एक बच्ची यहीं पर आई, इस बच्ची को विधि पूर्वक आचार्य जिनसेन स्वामी ने जैसा कहा था ठीक वैसे ही इनके माता पिता ने पूरा पुरुषार्थ किया, पूरा व्रत रखा, बाहर के भोजन का त्याग किया, विधि पूर्वक एक एक संकेत लेकर के उन्होंने संतान की उत्पत्ति की, कन्या पैदा हुई, नाम रखा आरकी जैन। शुरुआत में उसका नाम गुणवंती रखा। आज वो बच्ची को आप यहाँ पर भी गोदी में उठा के देखेंगे, 3 घंटे हाथ में रखे रहिएगा, मुंह से चू चा की आवाज तक नहीं निकालती। अभी भी वो यहीं पर है, आपके बीच में ही है, मुंह से आवाज तक नहीं निकालती, वो चुपचाप मुस्कुराती रहती है, देखती रहती है, शांत बैठी रहती है। किसका कमाल? बोले आचार्य जिनसेन स्वामी की देशना का कमाल है, संतानें ऐसे लाई जाती हैं। महाराज हम तो परेशान हैं, जो लड़का हमारी गोदी से नीचे नहीं उतरे। और एक वो बेटी है जो किसी की गोदी में चढ़ती है तो हर माँ को अपनी माँ समझती है। तुम्हारा बच्चा तो समझता है इस बात को कि ये मेरी माँ है, ये पराई माँ है, लेकिन जिनसेन स्वामी जिस संतान को लाने की बात करते हैं, उस संतान के मन के अंदर वो भाव होता है कि दुनिया की हर स्त्री को वो अपनी माँ समझता है। वो किसी भी, वो बच्चा आज भी यहीं पर आप देखिएगा, प्रवचनों के उपरांत आपको दिखाई देगा। इंदौर के एक सुधी शावक हैं अर्पित जी, पारुल जी, इन दोनों ने मिल करके विधि पूर्वक
जैसा जैसा मैं उनको बताता गया वैसा वैसा उन्होंने विधि पूर्वक जब उस संतान को लाए तो वो संतान आश्चर्यकारी रूप से शांत और सील स्वभावी अभी 5-6 महीने की बच्ची दिखाई देती है। बंद अपने आप में सौभाग्य की बात है, देवशास गुरु की कृपा से घर के अंदर संतान लाना। अपनी मर्जी से तो घर के अंदर बहुत सारे संतानें आ गई हैं और क्या करती हैं आप खुद देखिएगा। वहां पर त्रिशला मन ही मन आनंदित होती थी जब वो दिक कुमारियों से बात करती थी, दिक कुमारियों से पूछती थी क्या मैं सहन कर पाऊंगी। त्रिशला पूछती है उन देवियों से क्या मैं भगवान को अपने गर्भ में सहन कर पाऊंगी, वो आ जाएंगे मेरे गर्भ में। दिक कुमारियां बोलती हैं हमें क्या पता महारानी, हमें तो आदेश है कि प्रभु का अवतरण आपकी इस पवित्रतम देह में होने वाला है, देह की पवित्रता निश्चित करी त्रिशला की। यहां पर त्रिशला जो है वो देवी से पूछती है क्या मैं भगवान को अपने गर्भ में सहन कर पाऊंगी, क्या वो मेरे गर्भ में आ जाएंगे, क्या मैं उनको महसूस कर पाऊंगी कि ये तीर्थंकर ही मेरे गर्भ के अंदर आए हैं। एक गर्भ धारण करने से पूर्व में मां की क्या उत्सुकता के परिणाम थे, क्या विशुद्धि के परिणाम थे कि वहां पर खुद वो त्रिशला आंखें बंद करके कितनी बार तीर्थंकर की उस चेहरे को देखने का प्रयास करती लेकिन कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि कभी किसी ने तीर्थंकर के साक्षात रूप से देखा नहीं। त्रिशला ने पहली बार देखना चाह रही थी, अपने आप में विचित्रता थी, ऐसा वैभव तैयार होता चला जा रहा था धीरे धीरे करके। पूरे के पूरे कुंडपुर नामक ग्राम में जब ये पूरा माहौल बन गया, 3 प्रहर रात के निकल गए। 3 प्रहर रात के क्या निकले, रौद्र प्रहर निकल गया, राक्षस प्रहर निकल गया, गंधर्व प्रहर निकल गया। 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है ये रौद्र प्रहर कहलाता है बंधुओं, शाम का। दुनिया के सबसे क्रूरतम अपराध करने के लिए मन अपने आप तैयार होता है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच के समय पे। 9 बजे से 12 बजे तक के बीच के समय को राक्षस प्रहर कहते हैं। जब उस राक्षस प्रहर में जिसके लिए मन तैयार हुआ है वैसे रौद्र कर्म करने के लिए आप खड़े होते हैं, और इसको हल्के में ना लेकर के हकीकत में समझने का प्रयास करें तो देखिएगा जितने भी व्यसनी लोग होते हैं 6 बजे से 9 बजे के बीच में प्लान करते हैं, भैया अब शाम को 9-9:30 के बाद चलेंगे बार में पीने के लिए। क्या कर रहे हैं, एक रौद्र प्रहर है जो आपकी भावनाओं को दूषित करके सबसे पहले प्लान करता है 6 से 9 के बीच में। 9 से 12 के बीच में जो है वो राक्षस प्रहर होता है जब आप रौद्र कर्म करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय इसको गंधर्व प्रहर कहते हैं। किस गंधर्व प्रहर में जितने भी देवी देवताएं होते हैं भवनत्रिक के, वे सारे के सारे देव पूरे के पूरे मंदिर इत्यादिकों में जा करके कहीं घंटे बजाते हैं, कहीं नृत्य करते हैं, कहीं पूजा अर्चना करते हैं, कहीं महावैभव के साथ सम्मिलन करते हैं। असंख्यात देवी देवता वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में आकर के पूरे क्षेत्रों में, जिनालयों में जाकर के और भी स्थानों पे जाकर के उनकी धूम धड़ाका रात में 12 से 3 के बीच में चलती रहती है। ये लोग बाहर घूमते रहते हैं ना, ये जब 12 से 3 के बीच में बाहर रहते हैं तो ये बाहर की हवा कई बार इनको लग जाती है। दोस्तों के साथ ग्रुप में रहे तो कोई बात नहीं, घर जाने के लिए निकले रास्ते में कोई पीपल का पेड़ मिल गया, कोई मंदिर मिल गया, कोई कुछ मिल गया और वहीं से देव लहट गया और दूसरे दिन जा करके उस बच्चे का खाना पीना खत्म हो गया। क्या हुआ, बोले 12 से 3 बजे से पहले घर के अंदर घुस गए होते तो इस तरीके की बाहर की हवा नहीं लगती, लेकिन हमें तो घूमने जाना था क्योंकि राक्षस पहर के राक्षसों के काम 9 बजे से शुरू होते नहीं, 9 बजे से शुरू होते हैं। अब 9 बजे से शुरू होंगे तो वो 12 का 1 कब बज गया पता नहीं चला, लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन सैद्धांतिक ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में आप इस चीज को देखिएगा कि आपने अनाधिकृत रूप से दूसरे के टाइम पीरियड पे प्रवेश कर लिया। टाइम से पहले घर आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, 12 से पहले घर आ गए होते, कुछ समझदार लड़के होते हैं दुकान वकान बंद करके घर पहुंच जाते हैं,
लेकिन अभी भी गांव देहातों में मिडिल क्लास फैमिली में रात में घूमने फिरने की बहुत भावनाएं रहती हैं। रात को 12 से 3 के बीच में आने वाले जितने भी लोग रहते हैं, धीरे धीरे इनका पूरा स्वभाव बदल जाता है। ये घर के अंदर धीरे धीरे क्रूर होने लगते हैं और ऊपरी बाधाओं का प्रभाव भी ऐसे ही परिवार के लोगों में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। जब ये 3 प्रहर रात के निकल गए और जब मनोहर काल 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का आया, उस समय वात पित्त कफ के संतुलन के साथ महारानी त्रिशला ने सुखपूर्वक सैया पर सो रही थी। सो क्या रही थी, आचार्य कितने अच्छे शब्द को लिखते हैं, आचार्य कहते हैं तन मन और वासना त्रिशला की सो रही थी। शब्दों पे गौर करिए बंधुओं, आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि त्रिशला सैया पर लेटी थी, त्रिशला सो रही थी। फिर शब्दों को काटते काटते कहते हैं नहीं नहीं, त्रिशला नहीं सो रही थी, त्रिशला का तन, त्रिशला का मन और त्रिशला की वासना सो रही थी और त्रिशला की आत्मा जाग रही थी। स्त्री होकर के संतान पैदा करना हो तो उसके पहले 3 चीजों को सुलाओ और 1 चीज को जगाओ। अपने तन को सुलाओ, तन की भूख को सुलाओ, मन की भूख को सुलाओ। बार बार की जो कसाय के कारण परिणत होकर के कहाँ कहाँ की चीज़ों के लिए इकट्ठा करने के लिए, जैसे वो सड़क में बीनने वाली बाई पूरी सड़क छान मारती है, ऐसे ही हम मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया छान मारते हैं, पूरी दुनिया छान मारी, जो भी चाहिए जो भी चाहिए जो भी चाहिए जो भी चाहिए। घर के अंदर वो 2-4 ऐप मिलते हैं ना, वो मीशो ईशो क्या मिलता है, 1-2 और मिलता है, बस कुछ भी कुछ भी कुछ भी। पोछा मिल रहा है ना 25 रुपये को सस्तो, बे पोछा ही खरीदने में लगे हैं। इतने पेट में गर्भ में संतान आनी है, हमको अपने लिए भूमिका बनानी है और हम बटोरन बाई की जैसे ऑनलाइन होकर के सब चीज बटोरने में लगे हैं। अमेजोन से 1 पैकेट इतने से आ रहा है, शाम को 1 इतने से आ रहा है, सुबह में 1 इतने से आ रहा है, काय के लिए आ रहा है भाई, क्या है? अरे कुछ नहीं, बे मोबाइल में बैठे से तो अच्छो लगो सो ऑर्डर कर दो। लेकिन वहां आचार्य क्या शब्द लिख रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं कि जिसकी संतान जहां पर पैदा होनी है, भी त्रिशला का तन मन और वासना 3 चीज सो गई थी और त्रिशला की आत्मा सैया पर उस वक्त भी जाग रही थी, जागृत अवस्था थी। वात पित्त कफ का कोई भी प्रकोप नहीं था। वात पित्त कफ जब प्रकोपित होता है और रात में सपने आते हैं तो कैसे कैसे विचित्र प्रकार के सपने आते हैं, हम आपको सपने बताते हैं। रात में सपने आएंगे, हम पूरे शहर में उड़ रहे हैं, हमारे पंख लग गए हैं, फिर हम जा कर के किसी के दरवाजे में, किसी के टेरिस में जा कर के बैठे, देखा तो उसके अंदर, घर के अंदर टीवी चल रही है, उसकी माँ बैठी है, सब कुछ है, पंखा चल रहा है, गुर्र गुर्र की आवाज़ आ रही है। कभी देखा होगा ऐसा सपना? देखिएगा, जब बात पित्त का प्रकोपित होता है तो आदमी को पूरी रात वो हवा में ऐसा ऐसा उड़ता रहता है पंछी के जैसा। फिर पूरे घर घूम लिए, पूरा शहर घूम लिया, पूरे तार के बीच से निकल गए, फिर अपनी गली में आ गए, फिर अपनी दुकान देख ली, फिर मकान देख लिया, फिर आकर के जैसे ही वो थोड़ा सा कफ का प्रभाव कम हुआ तो वैसे जाकर के फिर वो व्यक्ति शांत हो गया। फिर कहीं कहीं कई लोग बोलते हैं महाराज हम रात में पूरे जल गए, हमारी गर्मी गर्मी लग रही थी, पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकोपित हो गया है तो आग आग दिखाई देती है, वात प्रकोपित हो गया है तो उड़ना उड़ना दिखाई देता है क्योंकि वायु प्रकोपित हो गई है, कफ की और पित्त का दोनों का प्रकोपन एक साथ होता है। अरे महाराज हमें कोई ने जकड़ लाओ, ऐसा लग रहा कोई हमारा गलो दबा रहा है। जे नौटंकी वाले सपने देख करके तुम संतान पैदा करते। अब वो त्रिशला जिसके बारे में लिखा आचार्यों ने, जिसका तन सो गया, जिसका मन सो गया, जिसकी गर्भावस्था में वासना सो गई, सोचो तो जरा थोड़ा सा। अभी प्रभु भगवान वर्धमान महावीर कुक्षी में आए नहीं है, आने से पहले ही वासना सो गई, आने से पहले ही तन की इच्छाएं सो गई, मन की इच्छाएं सो गई। वो अपने आप को शांत बना करके सिर्फ त्रिशला धार्मिक क्रियाओं में लगी है। अपने आप को त्रिशला समझ के कोई महावीर पैदा करने का पुरुषार्थ करो। ये कुत्ते बिल्ली के जैसे चिन्नू मिन्नू पुन्नू पप्पू पैदा करना आसान बात है, एक महावीर पैदा करना कितना कठिन बात है।
एक महावीर पैदा करना हो तो बक्स से पहले 6 महीने पहले से मन की वासनाओं को विराम दो, तन की वासनाओं को विराम दो और अंदर की पूरी वासना को सुलाओ और आत्मा को जगाओ, पुरुषार्थ करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, देवशास्त्र गुरु की पूजन करो, दान दो, तपस्या की अग्नि में शरीर को तपाने की कोशिश करो, ढूंढो कौन से तीर्थ जाने का मन होता है। इमली खाने का मन तो बहुत बार हुआ, लेकिन इमली दान देने का कभी मन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं महाराज, वो जो चूसबे के बाद थोड़ी सी बची है ना, वह भी प्लेट में रख देते हैं, मौका मिलता है तो दोबारा जा करके मुंह में डाल ले कि जहीं कहीं जो खत्म ना हो जाए। इस तरीके की लोभी प्रवृत्ति कहाँ तिसला की, कहाँ तिसला, कहाँ हम, कितना फर्क है सोचिए आप। वो तिसला पूछती है देवियों से, क्या मैं तीर्थंकर को अपने गर्भ में सह पाऊंगी, क्या मैं उनको देख पाऊंगी, क्या मैं उनको छू पाऊंगी, सही में आएंगे मेरे गर्भ में? हाँ, तुम्हारे ही गर्भ में आएंगे माँ, इसलिए तो तुम्हारे आंगन में रत्नों की वर्षा हो रही है और तुम्हारी इतनी सेवा हो रही है। सोचने का तरीका बदल दिया देवियों ने। सोचिए परिवार के लोग उस महिला के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी बेटियों के लिए माहौल नहीं बनाते। संतान तो चाहते हैं लेकिन माहौल नहीं बनाते, तभी जाकर के संतान गर्भ में आने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। महाराज आपके आशीर्वाद से कलश रखे गए, 2 महीने की संतान आई, उसके बाद संतान चली गई। महाराज हम हमेशा कहते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कौन सा, उसको तो पाप पुण्य करने का मौका भी नहीं मिला ना। वो संतान जो गर्भ के अंदर आई है ना, वो पाप कर पाई ना पुण्य कर पाई, उसके पहले ही वो वहां से चली गई। कौन जवाबदार था? आप, आपके घर का माहौल, कि आपके घर के अंदर महिलाओं को अंदर गर्भ रुका, गर्भ रुकने के बाद गर्भपात हो गया तो पूरा परिवार दोषी है कि हमने अपने घर की बहू के लिए माहौल नहीं बनाया, हमने उसकी मानसिकता स्वस्थ नहीं करी, हमने उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं करी। और उसमें भी निकृष्ट लोग तो वे हैं जात के गिरे हुए कि जो खुद अपनी पत्नी से कहते हैं अबॉर्ट करा लो, बोलते हुए जैन समाज के लोगों को शर्म तक नहीं आती। अगली बार न जैन कुल मिलेगा ना पत्नी मिलेगी, हिजड़ा बन के जब घूमेंगे तब लगेगा, बोले क्यों बन गए नपुंसक महाराज? बोले सिर्फ इसलिए बने कि जब न संतान पैदा करने की ताकत थी और गर्भ में संतान आ गई थी, उसको मरवाने के पाप से अगली पर्याय में जब हिजड़ा बनोगे तब समझ में आएगा, जिसको प्यार की भाषा में नपुंसक कहते हैं और थोड़ी सही भाषा में हिजड़ा कहते हैं। बनते हैं लोग, आपके घर के अंदर भी कोई पैदा हुआ होगा, हो रहा होगा, तैयार रहिएगा। इस संदेश से सीखिए, कथानक भगवान महावीर के मात्र गर्भावतरण की बात नहीं है, बात इस बात की है कि हमको अपने घर के अंदर भी संतानें पैदा करनी है, संभालनी है, देखनी है, उसके लिए क्या व्यवस्था बनानी है, हमको क्या माहौल बनाया जाता है। घर के अंदर बिना माहौल के संतानें पैदा कर दी, मेंटल स्टेज है लड़की है, वो कोई बेटी है, वो वहां पे जॉब कर रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और सास ससुर परमानेंटली प्रेशर दे रहे हैं, कब लाओगे, कब लाओगे, कब लाओगे। उधर बॉस प्रेशर दे रहा है, इधर सास ससुर प्रेशर दे रहे हैं, इधर फिजिक प्रेशर दे रही है। संतान ले आए महाराज, आई, आकर के टेढ़ी हो गई, सिर बड़ा हो गया, एक आंख फूटी निकल गई, एक हाथ टूटा निकल गया, अब झेलो 30 साल तक, उसके लिए भी आप जवाबदार हैं। अगर आपके घर के अंदर की संतान रोगी पैदा हुई है, रुग्ण पैदा हुई है, चलने में असमर्थ पैदा हुई है, उसके लिए परिवार, परिवार के लोग, माता और पिता, ये सब जवाबदार हैं, सब। महाराज बहुत जवाबदारी दिखाई दे रही है संतान पैदा करने में, तो आप लोग ने तो मजाक में पैदा कर ली, तो उनने आपको भी और अपने जीवन को भी मजाक बना लिया। लेकिन तिसला गंभीर थी, तिसला का तन मन और वासना सो रही थी, आत्मा जाग रही थी, वात पित्त का बिल्कुल सम था और सम वात पित्त पक्ष में जब थे, माहौल बिल्कुल अच्छा था, स्वस्थ मानसिकता थी, तब मनोहर काल के सुबह सुबह 3 से 6 बजे के समय में तिसला ने स्वप्न देखना शुरू किए। सो रही थी तिसला, सोते सोते निराकुल तिसला के मन के अंदर वो भाव, वो स्वप्न देखना शुरू किया। वो देखती है कि जैसा चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जितना प्रकाशमान और शीतल होता है, इतना शीतल और इतना ही श्वेत वर्ण का एक बहुत बड़ा विशाल काय ऐरावत हाथी,
जब वो सूंड उठाता तो उसकी एक सूंड के पीछे दूसरी सूंड, दूसरे की तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसी हजार सूंड एक हाथी के अंदर। कभी कल्पना करिएगा, जैन समाज के लोगों ने तो देखा होगा जब पंचकर्णकों में हाथी लेकर के चलते हैं, उस प्लास्टिक के हाथी में एक ही सूंड में तीन चार सूंड दिखाई दे जाती हैं, उसकी हजार सूंड थी। चंद्रमा के समान बिल्कुल सफेद, उसका मस्तक का जो ऊपर का जो भाग होता है जहां दो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उस हड्डी के भाग के ऊपर काले काले भौंरे इतना घूम रहे थे कि घूमते घूमते जितने वो भौंरे घूमते उतना ही वो ऐरावत हाथी अपने पूरे के पूरे सिर को ऐसा ऐसा हिलाता। जब चलता तो धम्म धम्म की आवाज आ रही थी। तिसला आत्मा से जगी हुई, वासना से सोई हुई, अंधेरे में, स्वप्न में वो चीज देखती है कि ऐसा ऐरावत हाथी आ रहा है। आकर के कभी इधर कभी इधर कभी इधर आते 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 ऐरावत हाथी सामने आकर के तिसला के सामने पूरी सूंड ऊपर करके पूरी ताकत लगा करके चिंगाड़ा, पूरी ताकत लगा करके चिंगाड़ा, और तिसला उसको देख करके मुस्कुरा रही है स्वप्न में। अद्भुत था वो दृश्य स्वप्न का देखने वाला कि इस तरीके का पहला स्वप्न हाथी का मुझे ऐरावत का दिखाई दिया। तिसला सोच ही रही थी कि अचानक उसके सपनों से वो हाथी गायब हो गया और सामने से एक बहुत बड़ा वृषभ जिसकी बहुत ऊंची ऊंची सींगे, सींगों पर सोना लगा और सोने के ऊपर हरे हरे मरकत मणि के दो छोटे छोटे भाग लगे हुए हैं, सोने की घंटी पूरे के पूरे गले में लहर रही है, और पूरी ताकत वाला वो बैल, वो वृषभ आते आते आते, जैसे कभी आपने किसी पुष्ट बैल को देखा हो जब वो घर जाने के लिए तेजी से चलता है तो कैसे बार बार उसके गले की घंटी और गलबंद हिलते हैं और उसका सिर बार बार ऐसा ऐसा होता रहता है। तिसला देख रही है कि दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में मार्ग है, मैं मार्ग पर खड़ी हूँ और वो बैल मुझे देखते हुए चुपचाप धीरे धीरे आ रहा है। आते आते वो भी सामने खड़ा हो गया, उस बैल ने सिंह के समान दहाड़ मारी। ऐसे स्वप्न कभी देखे हैं कभी नहीं देखे? क्या देखा है? पबजी है? क्या देखा? कभी ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि मेरी संतान कैसी होगी, उसके बारे में माँ भी जानने के लिए कुछ मंत्रों की आराधना करती हैं गृहस्थ आज भी, और उससे जो स्वप्न आते हैं उस स्वप्न के माध्यम से वो अपने आने वाली भावी संतान के बारे में फलादेश जान लेते हैं। हमारे मुख से कहे हुए मंत्र नहीं है, सब आपको पौराणिक यहाँ पे प्रथम अन्यों की कथाओं में सब मिलने वाले हैं, बस आँख उठा करके देखने, सोखने और समझने की जरूरत है। वीतरागी गुरु होता तो शायद ऐसा कुछ लिख ना पाता, लेकिन सच्चा गुरु था, सच्चा देव था, सच्चे शास्त्र थे, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ने क्या क्या ग्रंथों पर लिख करके गए, शोधन का विषय है। एक एक शब्द पर PhD की जा सकती है, एक एक शब्द की व्याख्या इतनी अद्भुत है। जैन दर्शन की खूबी देखिएगा, 250 अक्षर शब्द की ऐसी व्याख्या करी है कि जिसके चक्कर में 800-800 पन्नों के ग्रंथ बढ़ दिए। 250 अक्षर का शब्द है प्रेम, और हमारे यहाँ एक 250 शब्द का अक्षर है आत्मा। उस आत्मा की व्याख्या करने पर आचार्यों ने ऐसी लेखनी चलाई कि समय सार के जैसे महानतम ग्रंथ 439 गाथाओं में कटिबद्ध कर दिया। उसके बाद सूत्रबद्ध सिर्फ 439 गाथा ही नहीं, उसकी टीकाएं रूप टीकाओं में फिर अमृतचंद स्वामी ने अलग कमाल दिखाया, दूसरे आचार्यों ने अलग कमाल दिखाया, और ग्रंथों का साहित्य इतना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, शब्द मात्र एक था आत्मा। आचार्यों का कौशल देखने लायक। उधर वो त्रिशला स्वप्न देखती है कि बैल कैसा आया और आकर के सामने से चिंगाड़ मारता हुआ चुपचाप गायब हो गया। त्रिशला उस बैल से भी नहीं डरी, उस हाथी से भी नहीं डरी। तीसरी बार में त्रिशला ने देखा कि बिल्कुल श्वेत सिंह है, सिंह बिल्कुल सफेद, और उसके गले की जितनी भी झालरें थी जिसमें बाल थे वो बिल्कुल केसर के कलर के। जब चिंगाड़ता हुआ वो सिंह आया, सिंह भी क्या था कि पूरब और पश्चिम में दो पर्वत थे,
इन दोनों पर्वतों में एक पर्वत पर सिंह पूरब की ओर खड़ा था, उसने छलांग मारी और पश्चिम के पर्वत पे आ गया। पश्चिम की तरफ से फिर आकर के कुछ कदम आगे चला, फिर एक छलांग मारी तो उत्तर की तरफ चला गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से पूरब की तरफ, फिर कूदा तो धरती पर जमीन में आया। और जैसे जैसे तिसला के पास आता रहा, पास आते आते तिसला ने महसूस किया कि वो बहुत विशाल काय जो सिंह था, वो सिंह पास आते 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 बिल्कुल छोटा 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 होता हुआ, बहुत छोटा होता हुआ मेरे मुख से अंदर प्रवेश करके गर्भ में जाकर के सिंह बैठ करके, सिंह कैसा बैठता है कभी जंगल में देखो, कल्पना करो सिंह कैसा बैठता है, उसके अपने बैठने की एक तरीका होता है, वैसे ही वो बड़ा सा सिंह उनके मुख में प्रवेश करके गर्भ में आकर के चुपचाप उसी आसन से बैठा। और बैठ करके सिंह ने अंदर से ऐसी दहाड़ मारी कि तिसला का पूरा रोम खड़ा हो गया। तब तिसला के सोते सोते में पूरे रोम खड़े हो गए, और रोम को तिसला महसूस भी कर रही है कि मेरे गर्भ के अंदर वो सिंह आया है। और सिंह के आने पर उसने अंदर आकर के उस शोधित गर्भ में, जिसको देवियों ने मंदिर का रूप दिया है, उस मंदिर के रूप में उस गर्भ में आकर के वो सिंह अंदर बैठा। बैठ करके उसने दहाड़ मार करके जैसे तिसला माँ को बताने की कोशिश करी कि मैं आपके गर्भ के अंदर आकर के बैठ गया हूं। ऐसा कोई संकेत देवताओं के द्वारा आपको कभी मिला संतान पैदा करने से पहले? मिला? संतानें तो सबने पैदा करी है ना, जितनी माँ है हर माँ ने भावना भाई है मुझे संतान पैदा करना है, आज भावना भावना कि अगली बार ऐसी संतान पैदा करना है। जैसा भगवान महावीर का गर्भावतरण महोत्सव, उस अच्युत इंद्र से वहां से वो जब च्युत हुआ, और यहां पर आने से पूर्व में अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ संकेत दिए जा रहे हैं, अभी सिर्फ शब्द दिखाए जा रहे हैं तिसला माँ को। 16-16 स्वप्न देखे, देखा तिसला ने कि जब सिंह आकर के पेट पे गर्भ में बैठ गया है, तिसला सोचती है, बिना कहे हुए तिसला का हाथ अपने ही पेट के ऊपर गया और महसूस किया तिसला ने, जैसे भगवान के मंदिर के अंदर विस्तृत बेदी में कोई भगवान बैठते हैं, ऐसे मेरे गर्भ के अंदर वो सिंह आकर के बैठ करके उसने ऊपर की ओर दहाड़ मार करके गर्भ से लेकर के गले तक के भाग को अपनी ऊष्मा से भर दिया। तिसला के शरीर पर रोमांच निकल आए, तिसला के शरीर पर रोमांच निकले, लेकिन तिसला की निद्रा नहीं टूटी। वासना से, तन से, मन से और वासना से तो तिसला सोई है, आप भी तो तिसला के जैसे हैं। तन से और मन से और वासना से पहले सोने का प्रयास करिए, फिर एक संतान प्राप्ति का पुरुषार्थ करिए। शादी होती नहीं है कि हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, वहां पर 3-स्टार नॉन वेजिटेरियन होटल में खाते हैं, उस भोजन की अशुद्धता के साथ उस गंदे से कमरे पे भोग उपभोग की क्रिया करते हैं, और वहीं पर संतान आ जाती है, वहीं से बच्चा बढ़ना शुरू होता है। बंधुओं, ये नहीं सोचिएगा कि 2 महीने बाद संतानें आती हैं, भोग उपभोग की क्रियाओं के बाद वहीं पे संतान गर्भ में आ गई, पता चलता है 1.5 महीने बाद महिला को खुद कि पेट के अंदर संतान आ गई है। लेकिन आती कहाँ पे है, कहाँ पैदा किया तुमने अपने संतान को बताओ, और कहाँ पे तिसला किस तरीके से पैदा कर रही है। जैन शासन की में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो जैन शासन में एक होनहार बेटी और जिन शासन की महिमा दोनों पता होनी चाहिए, कि एक होनहार बेटी जब जैन शासन की विवाह के बाद कहीं किसी घर में जाएगी तो संतान की उत्पत्ति से पूर्व में इस पूरी प्रक्रियाओं का सूक्ष्म अन्वेषण करेगी, गुरु जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे वैसे शब्दों में चलेगी, संस्कार लाएगी, गर्भ के संस्कार करेगी, गर्भ का शोधन करेगी, भोजन का शोधन करेगी, आभूषण का शोधन करेगी, वे आभूषण जो शरीर पर चिकते हैं, कष्ट देते हैं, गढ़ते हैं, गर्भवती स्त्रियों को उठा करके अलग कर देने चाहिए, वे साड़ियाँ जो गढ़ती हैं, चिकती हैं, वे अलग कर दी जाती हैं, और बहुत अच्छा माहौल बनाने के बाद, देव पूजा, गुरु वंदना के बाद, देव आज्ञा लेने के बाद भोग पुरुषार्थ होता है, फिर जाकर के संतान गर्भ में आती। बंधु ऐसे ही नहीं लिख दिया उनके लिए कि 100-100 नारी 100-100 सुत को जनती रहती 100-100 ठोर, कहीं पर भी कोई भी नारी कोई भी बच्चा पैदा कर दे महाराज आसान बात है, लेकिन तुमसे सुत को जनने वाली, आपके जैसे सुत को जनने वाली नारी महती है क्या, और कोई दुनिया में संसार में कोई दूसरी मिलेगी?
पुरुषार्थ करके हमने कितनी बड़ी रेखाएं खींच दी, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाए। माता चिसला देख रही है, वो सौंदर्य देख रही है कि एक ऐरावत हाथी मेरे सामने से होके गुजर गया। माता चिसला देखती है कि एक वृषभ अपनी पूरी मदमस्त चाल के साथ से होती हुई मेरे सामने से होकर के गुजर गया। ये सिंह गुजरा नहीं, ये सिंह मेरे मुख से आते आते छोटा आकार करते हुए, इतना छोटा आकार किया उस सिंह ने, और थोड़ा सा मुंह मेरा खुला था, वो थोड़े से मुंह से बिना पीड़ा दिए गर्भ में जाकर के वो सिंह बैठा, अपने पूरे आसन को माड़ा और वहीं से हुंकार मारी कि तिसला के पूरे रोम खड़े हो गए। जब तिसला का पूरा रोम खड़ा हो गया, तिसला आश्चर्यचकित होकर के, आंखें तो बंद थी तिसला की, लेकिन अंदर ही अंदर तिसला की आंखों के गोला घूमने लगे। जब आंखों के गोला, कभी देखा महसूस करते ना ऐसा, आंखें खोलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर आंख का गोलक ऐसा ऐसा घूम रहा होता है। जब ऐसे ऐसे गोलक अंदर से तिसला के घूम रहे थे, देवियां जो बाहर 64 देवियां खड़ी थी, 8वें महादेवियां श्री की दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि खड़ी थी, उन्होंने देखा कि माँ तिसला जो है बंद आंखों से अपने आंखें का गोलक घुमा रही है, और सारी की सारी देवियों ने मिल करके सुगंध का ऐसा माहौल बनाया कि तिसला की भी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई। जब पुनः आंखों की पुतलियां स्थिर हुई और तिसला फिर गहरी निद्रा में गई, तब निद्रा में जाते हुए तिसला ने फिर देखा कि दो मालाएं सामने से दिव्य मालाएं आती चली जा रही हैं, और वो दो बड़ी बड़ी दिव्य पुष्पों की मालाएं हैं, एक माला के बगल में दूसरी माला। वरमाला देखिएगा कभी, छोटे मोटे हाथ की नहीं, बड़े घरों की वरमाला देखिएगा, जब पूरे के पूरे कमल के और गुलाब के फूलों के साथ अच्छी मोटी माला बनाई जाती है, उस माला का चिंतन करिए आँख के अंदर। अब वो दिव्य पुष्पों की माला है कि जिसके एक एक पुष्प की पत्तियों पर सैकड़ों भंवरों की गुंजायमान होने की आवाज आ रही है। तिसला जब चौथा स्वप्न देखती है सामने से इस तरह गुंजायमान होती हुई मालाएं आ रही हैं, और वे दोनों की दोनों मालाएं उसके माथे के ऊपर आकर के स्थिर हो गई। ये तिसला का परिकर बढ़ रहा है धीरे धीरे। गर्भ के अंदर सिंह बैठ गया, दाएं हाथ की तरफ ऐरावत खड़ा हो गया, बाएं हाथ की तरफ एक वृषभ जाकर के स्थापित हो गया, सिंह माथे के ऊपर दो मालाएं स्थापित हो गई, और तिसला गहरी नींद में देवियों के प्रभाव से चली गई। तिसला देखती है कि अब सामने से बिल्कुल स्वच्छ आकाश पे, बिल्कुल साफ सुथरे आकाश पर एक सूर्य उदय है। सूर्य भी, आप जब सूर्य देखते हैं तो आप सूर्य को देख नहीं पाएंगे, लेकिन बंद आंखों से तिसला ने उस सूर्य के पूरे वैभव को देखा कि कैसे बंद आंखों में सूर्य का अप्रतिम प्रकाश इतना तीव्र गति से फैल रहा है कि फैलते हुए प्रकाश से पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। जब ये घटनाएं घट रही थी, तीनों लोकों में मंगलमय वातावरण बना हुआ था। जब आपके घर के अंदर संतान आ रही हो तो आपके आसपास के पूरे माहौल को व्यवस्थित करना आपकी जवाबदारी होती है, क्योंकि आप वर्धमान स्वामी को तो जन्म नहीं दे पाएंगे, लेकिन वर्धमान स्वामी जैसा भी आपके जीवन में आ गया तो सौभाग्य है। क्या पुण्य किया है उस तिसला ने, क्या सोच करके उसको स्त्री की वो पर्याय मिली है कि वो ऐसा पुत्र जन्म देने वाली है जो जगत का पिता बनेगा। सिद्धार्थ सोचते हैं कि जगत के पिता का पिता बनना भी अपने आप में महान सभा की बात है। कोई ऐसा पुत्र जीवन में हो कि जो माता और पिता दोनों के संसार का अंत करा दे। भगवान महावीर जिस गर्भ में आएंगे, उस स्त्री को भी एक भवावतारी है, अगले भाव के बाद उसको भी मोक्ष हो जाना है। बंधु, पुत्र के जन्म की क्या पुण्य की महिमा है उस जन्म की, पुत्र जन्म की, कि वो अपने माता पिता को मोक्ष दिलाने में निमित्त बन गया। हमारे यहां के पुत्र माता पिता को कष्ट दिलाने में निमित्त बनते हैं। वो बच्ची है, वो बेटी है, वो बेटा है, माता पिता माथा कूट के परेशान है, भगवान इतना हलाहल करके रखा है, पूरे घर को हिला के रखा है। महाराज हमारा लड़का जुआ वो खेलता, सट्टा वो खेलता, शराब वो पीता, घर के बाहर गंदे काम वो करता, दुनिया में सटकर्म करके आता। महाराज इसको समझाइए,
हमने सोचते हैं क्या सोच के संतान पैदा करी और कहां से संतान आई, नरक से तो नहीं आई, क्या विचारना है। अब वो तिसला की विचारना देखिएगा कि माथे के ऊपर आकर के दो माला टिक गई। दो माला क्या टिकी, उसके भौरे जब गुंजायमान कर रहे थे तो भौरों का गुंजायमान शब्द सस्वर हो रहा था। मतलब दो मालाएं हैं, जैसे आप कान के अंदर दो ईयरफोन लगाते हैं तो कभी इधर से वॉइस आती है कभी इधर से वॉइस आती है, लेकिन तिसला के दोनों कानों में भौरों के गुंजायमान होने का जो संगीत गुंजायमान हो रहा था, उन देवियों ने उस भौरे के गुंजायमान होते संगीत के ऊपर अपने कुछ और मृदंग बजाने शुरू किए और तिसला गहरी नींद से फिर उठ करके जैसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, ईसीजी में होता है ना, कभी रेखाएं ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं, ऐसे तिसला के मनोभाव ऊपर नीचे होते रहे। आपका समय हो गया है इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी तो हमने सिर्फ चार सपनों के बारे में बताया है, माता तिसला के वो 16 सपनों का अपना वैभव है, माँ का वैभव है, उस माता पिता का वैभव है, उस जीव का वैभव है। अपने घर के अंदर भी हम इस कथानक से वैभव बनाने का प्रयास करें, अपने संतानों को अभी भी सुधारने का प्रयास करें बंधुओं। और बार बार उस बात को कहता हूँ कि वर्तमान पे मत जाइएगा, संभावना सत्य की ओर जाने का प्रयास करिएगा। आज आपने किसी भी परिस्थिति में कोई भी संतान पैदा कर दी है, आप नहीं समझ पाए, नहीं ऐसा उद्बोधन मिला, लेकिन अभी भी संभावनाएं हैं कि अपने बालक को महावीर बनाने की, तीर्थंकर बनाने की संभावनाएं अभी भी हैं। हर तीर्थंकर 5 कल्याणक वाला होता हो ऐसा नहीं है, कई तीर्थंकर होते हैं जिनके 2 कल्याणक होते हैं, कई तीर्थंकर होते हैं जिनके 3 कल्याणक होते हैं, तो 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। तो अभी भी वक्त है, अपने बच्चे में परिवर्तन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावना पर कल पुनः चर्चा करेंगे। अभी शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जा, वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं धोप, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।